हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल अबाउट माहिरा चैनल वंस अगेन। मुझे नहीं लगता मैं इसका नाम कभी चेंज करने वाली हूँ। इट इज अबाउट माहिरा एंड शबाना, बट द चैनल नेम इज ऑल अबाउट माहिरा। सो देखते हैं अभी कोई आ गया था लिफ्ट में, और अभी भी ना मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ ऐसे कोई आ जाता है तो। एनीवेज सो देखते हैं, अभी तक तो मूड नहीं हुआ है चेंज करने का, जब करेगा तब देखा जाएगा। और बस आज हो गया है सैटरडे सुबह, आज माहिरा भी स्कूल गई है क्योंकि उसका एनुअल डे है और उसकी प्रैक्टिस एकदम ज़ोरों पे चल रही है। सो आज वो भी स्कूल गई है, बट वो 1 बजे तक आ जाएगी। और मैं भी स्कूल जा रही हूँ, स्कूल के लिए निकल रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है हमारा भी स्पोर्ट्स डे आ रहा है, तो हमारी भी प्रैक्टिस ज़ोरों पर चल रही है। तो मैं भी जा रही हूँ और मैं भी कुछ 12:30-1 तक आनी चाहिए। हाँ बस यही है फ़िलहाल की अपडेट। अभी पिछला व्लॉग मैंने जस्ट अभी पोस्ट किया है, प्लीज़ आप लोग वो देखिए। तब तक हम ये नया व्लॉग बना रहे हैं और जल्दी आपके साथ ये शेयर करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके फ्रेंड्स, सो आ गई हूँ मैं घर स्कूल से, और कौन आ गया है? मायरा भी आ गई है। 1 बजे मायरा की भी आज छुट्टी हो गई थी, मेरी भी छुट्टी हो गई, हम दोनों आ गए हैं। अभी कल है संडे, बट कल तो संडे में बहुत टाइम में आएगा, अभी पूरा दिन बाकी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। इन्होंने अपना टिफिन नहीं खाया आज। क्यों नहीं खाया आपका टिफिन? नहीं खाया। गलत बात है, अभी इनको मैं पहले टिफिन का खाना खिलाऊंगी, पराठा नहीं खाया, और उसके बाद फिर और देखते हैं क्या खाना बनेगा। चीकू मायरा का फेवरेट, आराम आराम से खाओ। ओके, मायरा को दे दिया उसका फ्रूट प्लेट, और अब मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में खाना खाएंगे। हेलो, कहाँ जा रही मायरा? हम जा रहे हैं मेरे एक फ्रेंड के घर, क्योंकि कोई सिंगर आया तो हम उसका गाने सुनेंगे। और आपके हाथ में क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में सोनू निगम का लाइव शो था, और ये देखिए वहाँ की भीड़, हाउस फुल, और सारी आवाज़ हमें आ रही थी, तो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ चले गए थे क्योंकि वहाँ से फुल व्यू मिल रहा था देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं निकल गई थी स्कूल से और अभी आ गई थी फोटो स्टूडियो, बिकॉज मुझे कुछ पिक्चर्स निकालने थे, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है, मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। तो हो गया है मेरा ये काम, अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाते हैं, खाना पीना देखते हैं, भूख लग गई है, लंच का टाइम भी हो गया है, और देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। साजिद जी मायरा घर पर हैं, लेट्स गो एंड सी। किसको कॉल कर रहे हैं? कहाँ कॉल कर रहे हैं? अबू इज नॉट आंसरिंग, उनको आपसे बात नहीं करनी। हेलो, कहाँ है अबू? हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हो गई है शाम, बज रहे हैं 4:30, और मैं जा रही हूँ क्रिकेट खेलने। सो हमारी सोसाइटी का एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है जनवरी में, लास्ट ईयर भी हुआ था, हम लोगों ने देखा था, मेरे सारे फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, मैं नहीं कर पाई थी, स्कूल एंड ऑल टाइमिंग्स वगैरह नहीं हो रहे थे, बट इस बार मेरा बहुत मन था करने का। तो लेट्स सी, अभी स्टार्ट तो किया है, कल खेला फर्स्ट डे, आज दूसरा दिन है, मैं जा रही हूँ अभी खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं और गेम शुरू करते हैं। A few moments later. So friends, आ गए थे हम खेल करके करीब
6:30-7 बजे तक आ गए थे खेल करके, और फिर कुछ गेस्ट आए हुए थे उनसे मिले, उनके साथ बैठे बातें की, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम किया इधर उधर, और अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। ये देखिए मेरा खाना खाने में है, दाल चावल और भिंडी। मैं और माहिरा हम दोनों यहाँ बैठे हैं। मायरू क्या कर रही हो आप? कैसे पानी पी रही हो? तो बस क्योंकि कल वापस से है स्कूल, तो टाइम से खा करके टाइम से बुक्स सेट कर लें, बैग सेट कर लें और टाइम से सो जाएं तो अच्छा होगा, नींद पूरी हो जाएगी। तो चलिए खाना खाते हैं जल्दी जल्दी। सो फ्रेंड्स, हो गया है अगला दिन और मैं स्कूल से आ गई थी, जल्दी जल्दी लंच बनाया, जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश किया क्योंकि आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम अभी जा रहे हैं उसकी केक कटिंग के लिए बिकॉज फिर उनको भी बाहर जाना है। तो मैं तो अपना स्पोर्ट्स अटायर में ड्रेस्ड अप हूँ बिकॉज वहां से डायरेक्ट मैं जाऊंगी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ माहिरा कैसी लग रही है। वेरी नाइस, माहिरा भी रेडी है, आंटी को विश करेगी माहिरा, है ना भाई? बैग लेके गई और मेरे फ्रेंड का ये कुछ तो पेपर बनाया है। आई होप रेहु तुम ये वाला देखो वीडियो, क्योंकि मैं ये सबको दिखा रही हूँ। ये तुम्हारा कोई इंसान पेंगुइन है तो मैं उसे दे दूंगी घर चल के। ओके फ्रेश फ्रेंड्स, नहा वहा लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, चाय चढ़ाई है, और ये देखिए साजिद जी अपना ऑफिस निपटा रहे हैं और मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पे नारियल पानी जो हम दोनों पियेंगे, हमारा नारियल पानी। अरे यार कल तो मुझे उधर जाना है। किधर जाना है? फुल डे ट्रेनिंग है कल, मुझे NKP जाना है। ओह नो, मीठा है? हाँ। ओके, मैं पी के देखती हूँ कितना मीठा है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10:30, मायरा सो गई है, उसने आज बहुत खेला है बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, वो 3-4 घंटे आज पार्क में खेली है, बहुत टायर्ड थी, हाथ वाथ दबवाया उसने मस्त, और वो अभी सो गई है। और मैं और साजिद जी बैठे हैं क्योंकि हम आज थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम लोग आज देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है रानीगंज, जिसकी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, तो हम लोग वो देख रहे हैं। तो देखते हैं फिर, अगर होगा तो आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। साजिद जी, यस, आर यू इंटरेस्टेड? यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फुल एंटरटेनमेंट। और आप क्या खा रहे हैं? माही का चॉकलेट, सुबह बोलना मत कि मैंने खाया था। मैं ज़रूर बताऊँगी उसको कि आपने खाया है। हेलो फ्रेंड्स, सो देख लिए हम लोगों ने मूवी, और मूवी हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगी। सो मूवी है रानीगंज के बारे में। रानीगंज एक जगह है वेस्ट बंगाल में जो कि आसनसोल के पास है। आपने आसनसोल का नाम शायद सुना होगा। अभी मेरे भाई की शादी हुई है, उसका ससुराल वहाँ पर है और मेरा भी ससुराल है वहाँ पर। तो वहाँ पे एक जगह है, जैसे धनबाद में एक बहुत बड़ा कोल माइन है, वैसे ही रानीगंज में भी एक बहुत ही बड़ा कोल माइन है, इंडियाज़ लीडिंग कोल माइन आप बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था और उसके रेस्क्यू मिशन में वहाँ पे कुछ 65 कोल माइनर्स फंस गए थे, उस रेस्क्यू मिशन पे वो मूवी बेस्ड है। सो इट्स अ ट्रू इवेंट, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी। तो वहाँ पे एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जसवंत गिल, उन्होंने वो रेस्क्यू मिशन ऑपरेट किया था, उनके अंडर पूरा रेस्क्यू मिशन हुआ था और उनकी वजह से उन 65 कोल माइनर्स की जान बच पाई थी। उस इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के थ्रू दिखाया है। तो हम लोगों को तो मूवी काफ़ी पसंद आई। वो मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर आपका भी मन करे, आपके पास टाइम हो तो जाइए देखिए, आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छी लगेगी।
बस ये था हमारा व्लॉग। अभी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर माहिरा सो रही है और टाइम हो गया, मुझे भी अब सो जाना चाहिए, कल स्कूल जाना है, फिर उसके बाद क्रिकेट प्रैक्टिस है, फिर पूरा दिन है, फिर माहिरा की पढ़ाई लिखाई भी है। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।